पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतायत, थेट जाऊया। ये सज्जन कुछ फोटो लेके आए हैं, ये फोटो ले लीजिए भाई। मुझे देने के लिए लाए हैं कि दिखाने के लिए लाए? देने के लिए लाए। जरा सिक्योरिटी के लोग वो फोटो ले लीजिए, मुझे पहुंच जाएगा। मैं आपका आभारी हूं। हाँ, दे दीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा और एनडीए सरकारों को देश के लोग बार बार चुन रहे हैं। केंद्र में देश ने लगातार तीसरी बार एनडीए को सेवा का मौका दिया है, लेकिन इस बार उसमें नांदेड़ का फूल नहीं था भाई। क्या इस बार नांदेड़ का फूल भी पहुंचेगा दिल्ली? पक्का पहुंचेगा? देखिए, आज मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूं। एक तो मैं मोदी के लिए भी मदद मांग रहा हूं और दूसरा महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। जो नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के भाई बहन है, आपको दो वोट डालने हैं, नहीं याद है ना? हाँ, वरना वो लोग तो कुछ उल्टा ही पढ़ाएंगे आपको। साथियों, अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। पहले से क्या, इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। साथियों, पिछले दो दिन से मैं महाराष्ट्र में जहां जहां गया हूं, हर एक के मन में ये कसक है कि लोकसभा में जो कमी रह गई, इस बार विधानसभा में जंप करके इसको पूरा कर देना है। लोग कह रहे हैं विकसित महाराष्ट्र के लिए महायुति की सरकार चाहिए। महायुति की सरकार पाहिजे। साथियों, महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप को, उनके पापों को लंबे समय तक झेला है। खासकर मराठवाड़ा के किसान आपकी परेशानियां की तो जड़ ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सरकारों ने कभी
यहां के किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं की। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मराठवाड़ा को सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महायुति सरकार ने पश्चिमी बैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी लाने का फैसला किया है। दमनगंगा, बैतरणा, गोदावरी रिवर लिंक योजना से भी मराठवाड़ा को लाभ होगा। मराठवाड़ा में 11 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन जब महाअघाड़ी की सरकार आई तो उसने इस पर रोक लगा दी। अब महायुति की सरकार ने इसे